आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दाद खाज खुजली क्या होता है और ये कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है और इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू इलाज क्या है। देखिए आप दाद खाज खुजली इन तीनों का नाम सुने होंगे तो विस्तार से सारी चीज जानेंगे कि आखिर दाद क्या है, खाज क्या है, खुजली क्या है। देखिए दाद का मतलब क्या होता है कि जब आपका नोचने वाला जो भाग होता है गोला टाइप का हो जाएगा तो उसको दाद बोलेंगे। मान लीजिए लड़का लड़की है, इसके किसी भाग पर क्या नोचने वाला काम चालू हो गया, मतलब नोचने वाला समझिए कि उसका कोई अंग नोचने लगा, त्वचा का कोई अंग, शरीर का कोई अंग नोचने लगा, अगर नोचते हुए उसका भाग गोला हो जाए तो दाद हो जाएगा, अगर चौला हो जाएगा तो उसको खाज बोलेंगे। खाज का मतलब खजुरिया टाइप का होता है, ठीक है। मतलब दाद में क्या होता है, गोला टाइप का लाल धब्बा बन जाता है, लेकिन खाज में जरूरी नहीं होता है कि वो गोला ही बनेगा। विस्तार से समझेंगे कि दाद क्या है, खाज क्या है, खुजली क्या है, कैसे होती है। देखो सबसे पहले दाद के बारे में जानो। देखो दाद और खाज दोनों क्या होता है, एक ही होते हैं। दाद का इंग्लिश होता है रिंग वर्म, खाज क्या होता है इसका थोड़ा सा आकार चेंज होता है, ये गोला नहीं होता है। खुजली का मतलब जब नोचेगा तो खुजली हो गया। देखो दाद जो होता है एक फंगल इंफेक्शन है, दाद हो चाहे खाज हो, ये दोनों के दोनों क्या फंगल इंफेक्शन है, ये टिनिया कवक के कारण होता है। जब आपके शरीर पर या आपके शरीर के ऊपरी सतह पर टिनिया कवक लग जाएगा ना, उस कंडीशन में आपको कौन सा बीमारी होगा, दाद या खाज हो जाएगा। दाद या खाज का मतलब वही नोचने वाला सिस्टम, अगर शरीर का कोई अंग नोच रहा है तो इसका मतलब आपको दाद या खाज हो चुका है। अगर उसका आकार गोला है तो दाद, अगर आकार गोला नहीं है तो खाज, ठीक है। देखो तो ये दाद कैसे होता है, किस कवक के कारण होता है, वो आपको टिनिया कवक के कारण होता है, ठीक है। उसको त्वचा के अलग अलग हिस्सा में, ये जो आपका दाद होता है ये त्वचा के किसी भी अंग में हो सकता है, शरीर से लेकर किसी भी अंग में आपको, कई 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 बार कपार में भी होता है, पैर में भी होता है, हाथ में भी होता है, शरीर में भी होता है, जांघों में भी होता है। तो ये दाद जो होता है इस त्वचा मतलब शरीर के किसी भी अंग पर हो सकते हैं। उसके बाद जब ये होगा तो लाल गोलाकार धब्बा हो जाता है, दाद जब भी होगा तो कैसा आकार लेगा, गोलाकार रूप लेगा। लेकिन अगर खाज होगा तो आपको चौला, उसका गोलाकार आकार छोड़ के कोई और आकार हो सकता है। तो ध्यान दो, अगर ये कोई लड़का लड़की है, ठीक है ना, ये लड़का है तो इसका मान लीजिए हाथ पर क्या नोचना चालू कर दिया तो आपका खुजली होगा, खुजली का मतलब ये तो नोचना या जलन महसूस करना, ठीक है। अगर इसका आकार गोला तो दाद, अगर इसका आकार समझो कि एकदम चौला आ गया या गोला छोड़ के कोई और आ गया तो उसको बोलेंगे खाज। होता तो एक ही है, देखिए दाद और खाज में ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है। देखो तो ये दाद क्या है, एक फंगल इंफेक्शन है, क्या है, फंगल इंफेक्शन है जो टिनिया कवक के कारण होता है, ये त्वचा के किसी भी अंग पर हो सकता है, जहां भी होगा वहां पर लाल गोलाकार धब्बा बना रहता है। देखिए कभी कभी कई कई बार क्या मतलब जीवन में समझो कि मनुष्य के जीवन में कई बार ये होता है, हर इंसान के पास ये होता है, दाद खाज खुजली हो ही जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है, जो दाद खाज खुजली आखिर ये कैसे फैलता है। ये फैलता है किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से। मान लीजिए अगर मुझे खुजली हुआ है और कोई व्यक्ति क्या किया, मेरे संपर्क में आकर खुजली वाले भाग को छू लिया, तो इसका मतलब है कि मेरा जो टिनिया कवक उसके मतलब मेरे मेरे दाद वाले भाग को छूया है, तो मेरे दाद से क्या हो जाएगा, खाज से क्या हो जाएगा कि वहां से टिनिया कवक उसके हाथ में चला जाएगा, जिस अंग को छू वहां पर चिपक जाएगा और उसको भी दाद खाज खुजली हो जाएगा आसानी से। तो ये संपर्क, अगर कोई व्यक्ति दाद या खाज खुजली तीनों से अगर संक्रमित है और उसके संपर्क में कोई और व्यक्ति आएगा तो भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी जानवर को भी दाद खाज खुजली हुआ है ना और उसके संपर्क में कोई मनुष्य आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उस मनुष्य को भी दाद खाज खुजली हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आम भाषा में देखी जाए तो लोगों को हो जाती है दाद खाज खुजली, ठीक है। तो और इसके बाद पहला होगा किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको हो सकता है, दूसरा का नोचने से। कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमारे यहां मान लीजिए इसी लड़का को इस अंग में हुआ है, ठीक है ना, तो कई बार इसको नोचते नोचते क्या करता है, उसका जो कवक होता है, जो फंगल होता है, उसको नोचते नोचते अपने हाथों में ले लेता है, जहां तहां छूते चलता है, जहां जहां भी छूता है ना वहां पर उसको दाद खाज खुजली हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, चाहे उसको बार बार नोचने से, आपके पूरे शरीर में फैलना ये चालू कर देता है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे पहचानेंगे कि भैया हमको दाद खाज खुजली हो गया। तो भैया इसका सबसे पहला लक्षण ये होता है कि जहां भी होगा ये वहां पर बार बार आपको नोचने का मन करेगा, और रात के समय तो और भी ज्यादा आपको ये सब नोचने को मन करता है। देखिएगा अगर आपको हुआ होगा तो आभास भी होता होगा, ठीक है। त्वचा में खुजली होगा, त्वचा में जलन होगा और त्वचा को नोचने का मन करेगा। अगर ऐसा आपको महसूस होगा वहां नोचने का मन कर रहा है, खुजली करने का मन कर रहा है, नोचने का मन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझिए कि आपको दाद खाज खुजली हो चुका है, ठीक है। तो ये लक्षण। अब इसके घरेलू इलाज क्या है, अगर को दाद खाज खुजली इन तीनों में से कोई हो चुका है तो आखिर इसको कैसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखिए अब इसका सबसे पहला तरीका है कि नारियल का पेस्ट, मतलब लहसुन को पीस कर उसको नारियल तेल के दो चार बूंदे डाल दीजिए और उसका पेस्ट बनाकर जहां भी आपको दाद खाज या खुजली हुआ उस अंग पर चढ़ा दीजिए, आपको लगभग एक से दो दिन में उस दाद खाज खुजली से राहत मिल जाएगी।
ये पहला तरीका लहसुन का पेस्ट बनाइए, दूसरा का एलोवेरा। एलोवेरा का नाम सुने होंगे, एलोवेरा जो जेल होता है उसको संक्रमित जगहों पर चढ़ाएंगे तो वो भी आपको क्या करता है, ठंडक महसूस करता है और लगातार 1 से 2 से 3 दिनों के अंदर में आपको इस दाद खाद खुजली से वो राहत दिला देती है, तो एलोवेरा भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा का हल्दी का पेस्ट, आपको क्या करना, हल्दी लेकर उसमें नारियल तेल की कुछ बूंदे डालना है और संक्रमित जगहों पर चढ़ाना है, इससे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएंगे दाद खाज खुजली से। चौथा आपका तरीका है, देखो चौथा सबसे आसान तरीका और बहुत कारगर तरीका है, आप नीम का पेड़ का नाम तो सुने होंगे, तो नीम के जो पत्ते होते हैं पानी में उस डाल दीजिए। नीम के जो पत्ते उसको कहाँ डालिए, पानी के अंदर डालिए, आप पानी को उबाल दीजिए और उसी पानी से आप स्नान कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ बोला, कुछ दिनों के अंदर में आपका दाद खाज खुजली जड़ से खत्म हो जाएगा, या जिस अंग पर हुआ, जिस अंग पर आपको दाद खाज खुजली है उसको नीम के पत्ते को पानी में डालकर उबाल दीजिए और उसी पानी से आपको उस जगह की साफ सफाई करनी है, तो आपको कुछ दिनों के अंदर में इस तरीके से वो दाद खाज खुजली ठीक हो जाएगा। और सबसे अंतिम तरीका, नारियल तेल। नारियल तेल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो फंगल इंफेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं, तो नारियल तेल जिस जगह पर भी आपको हुआ है फंगल इंफेक्शन यानी दाद खाज खुजली हुआ है उस जगह पर नारियल तेल का प्रयोग करिए, आपका वो आसानी से बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ये लगभग 5 से 6 तरीका था आपका घरेलू तरीका, जिसको अप्लाई करके आप दाद खाज खुजली को आसानी से ठीक कर सकते हैं, या तो लहसुन का पेस्ट लगाएं, तो हल्दी का पेस्ट लगाएं, तो एलोवेरा का यूज करें, नारियल तेल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नीम के पत्ती और पानी में उसको उबाल के आप उससे स्नान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। देखिए तो ये दाद का मतलब होगा उसका कैसा आकार, गोला हो जाएगा। खाज का मतलब होगा खाजवा टाइप का वो हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जब नोचना चालू करेगा तो उसको खुजली बोलेंगे। खुजली आपका शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, दाद भी आपके किसी भी हो सकता है, आपको खाज भी किसी भी अंग में हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो तीनों का कोई खास मतलब अंतर मत समझिए, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित ही है, ठीक है, बशर्ते आकार में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर दाद क्या है, खाज क्या है, खुजली क्या है, दाद खाज खुजली कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, किन किन कारणों से होता है और इसके घरेलू इलाज क्या है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।